एक मेरे यूट्यूबर बंधु हैं जिनको नंगा करके और कुछ भी करके जलील किया जा रहा है कुछ लोगों के माध्यम से। तो जब इन्हीं को नंगा किया जाएगा तो हमारे जैसे कलाकारों की आवाज को कौन रख पाएगा भैया? तो नंगा भाजपा का सफर रहा है, भाजपा का सब नंगा करता है। देख सकते हैं कौन भैया क्या कहना चाहिएगा एलर ब्लॉक के लिए। माइक दीजिए भैया क्या कहेंगे तेजस्वी भैया के एलर ब्लॉक को लेकर के? एक लाइन गनवा गवा दीजिए। एक लाइन जो लिबी जो है एक गाना हो जाए। और जितने भी भोजपुरी के हैं कलाकार सारे लोग हमसे मिलते जुलते हैं और बड़े बड़े पर्दे के जो कलाकार हैं वो भी हमसे मिलते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वृंदावन जाने आप तमाम कलाकारों का मैं बिहार की धरती पर और कुछ समय पहले यहाँ स्टूडियो का भी उद्घाटन हुआ, बड़ा अच्छा स्टूडियो बना है। सभी कलाकारों का मैं यहाँ पे बिहार की धरती पे पटना की धरती पे स्वागत करता हूँ। आप देख लीजिए कि फिल्म जगत हो खासकर भोजपुरी का जो संगीत का गाना बनाने का कार्यक्रम शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्ट किया कि हम देखते आ काम करते हैं और ये हम चाहेंगे कि पूरे तरीके से और अपने सरकार की तरफ से महागठबंधन की तरफ से जितने भी कलाकार भाई सबको सम्मान दिया जाए और अपने जो मंत्री हैं जितेंद्र जी। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ एक चीज शायद आप तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, एक हमारे यूट्यूबर बंधु हैं जिनको नंगा करके और कुछ भी करके जलील किया जा रहा है कुछ लोगों के माध्यम से। तो जब इन्हीं को नंगा किया जाएगा तो हमारे जैसे कलाकारों की आवाज को कौन रख पाएगा भैया? महेश पांडे तो भैया आपसे हम लोग का यही आशा है ना कि हमारे जैसे कलाकारों एक मिनट भैया मैं अपनी बातों को रख लूं क्योंकि फिर मुझे मौका नहीं मिल पाएगा। हम लोग 2 साल से भैया कोरोना में हमारे तमाम कलाकार ग्रसित हैं। वैसे मैं वहां भी आपको भैया बताया मैं 10 सालों तक मैं हूँ छपरा से बट 10 सालों तक गोपालगंज की सेवा करते आया हूँ। आप किसी कलाकार से अमित तिवारी के बारे में पूछे वो बताएगा क्योंकि दुख होता है सर बड़े दुख होता है और आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी बातों को आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता तो सर हमारी भी बातों को सदन में मजबूती से सर उठाया जाए।